गाइस कंप्यूटर और लैपटॉप के कीबोर्ड का साइज इतना कॉम्पैक्ट होता जा रहा है कि उसमें हमने कौन सी की को प्रेस किया है, वो रेस्पॉन्ड करी है या नहीं करी है, ये हमको मालूम नहीं चलता। जैसे कि कोई हॉट की है, जैसे नंबर लॉक हो या कैप्स लॉक या स्क्रॉल लॉक, जैसे हम उसको प्रेस करते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता कि उसने रेस्पॉन्ड किया है या नहीं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप होट की के साउंड को कैसे इनेबल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम या फिर लैपटॉप में। यहाँ पर मैं छोटी सी आपको सेटिंग बताऊंगा। सिंपली अपने कंप्यूटर सिस्टम में सेटिंग पर जाएंगे। सेटिंग में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जाना होगा ई जो एक्सिस में, यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको कीबोर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको ओके करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स यूज टॉगल की लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्ले साउंड व्हेनेवर यू प्रेस कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, तो आप इसको ऑन कर देंगे। सिंपली हमने इसको ऑन कर दिया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि ये होटकी जो हमने ऑन की है इसका साउंड ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर मैं कैप्स लॉक को प्रेस करता हूँ, कैप्स लॉक काम कर रहा है, नंबर लॉक भी काम कर रहा है। चलिए स्क्रॉल लॉक चेक करते हैं, स्क्रॉल लॉक भी काम कर रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में बीप साउंड को ऑन कर सकते हो, यानी कि जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में होट की को प्रेस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि उसने रेस्पॉन्ड कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर देना, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।